प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम अपरेटस रिक्वायरमेंट जो रहेगी हमारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिंगल पॉइंट 2 mm पैच कोड फॉर इंटरकनेक्शन, दो क्वांटिटीज़ में सिंगल पॉइंट 4 mm पैच कोड फॉर इंटरकनेक्शन, फोर नंबर्स, पावर कॉर्ड सिंगल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और लैम्प होल्डर विथ लैम्प विथ 2 pin LED। और फिर हमारा रहेगा AC फैन फिटेड ऑन वुडन स्टैंड विथ 2 pin LED। और लास्ट है हमारा थर्मामीटर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस किट पर हमारा जो थर्ड वाला प्रैक्टिकल जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है, जैसा कि हमने बताया कि हर एक प्रैक्टिकल जो आप इस किट पर परफॉर्म करेंगे उसका नाम के अपने जो फ्रंट पैनल है उस पर भी स्पेसिफाई है। तो वो जो अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो होगा लाइट एक्टिवेटेड सॉलिड स्टेट स्विच। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जैसा कि हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले प्रोसीजर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, तो हम सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए टोटल इस प्रोसीजर के 5 स्टेप्स रहेंगे। तो हम इस किट का तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है मेरा लाइट एक्टिवेटेड सॉलिड स्टेट स्विच। यहाँ पे देखेंगे इनपुट मेरा AC रहेगा, ये मेरा कंट्रोलिंग फैन या जो भी अपन लैंप लगा रहे हैं वहाँ इस पर लैंप कनेक्ट करेंगे। ये मेरा डायक है और ये डायक क्या किस लिए हो रहा है, जैसा अपना पहले देख चुके हैं ट्रायक को ट्रिगर कराने के लिए। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो मेरा डायक है उसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, मेरा LDR लगा हुआ है। तो LDR अपन देखेंगे कि अगर LDR लाइट से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो हम इस पर लाइट डालेंगे तो ये मेरा कभी जो थायरिस्ट डायक है मेरा ऑन होगा और ऑफ होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कनेक्शन देखते हैं तो इनपुट तो मेरा जो है वो सेम ही है और आउटपुट जो मुझे चेक करना है अपने लैंप का वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसको ऑन करते हैं, ये देखिए। अब ये तो सिंपल मेरा सर्किट क्या है, यहाँ पे लाइट कम है तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है तो मेरा जो कैपेसिटर है वो मेरा एक हाई वैल्यू तक चार्ज हो गया, तो जिससे क्या है मेरा डायक ऑन हो गया और मेरा SCR को ऑन किया तो मुझे आउटपुट में दिख रहा है कि ये ऑन। अब मुझे इसको ऑफ करना है LDR पे। सर प्लीज़ ये देखिए, अब जैसे ही इस पर इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने लाइट की तो LDR के अक्रॉस क्या हुआ, ये ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम हुई, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो गया डायक के, और इसकी इंटेंसिटी भी अगर हम लाइट बहुत अच्छी है तो उसकी कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा इस किट का 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस हो गया। हाँ, हमने इस किट पे 3 प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। पहला था हमारा AC फैन को क्या किया, जो मेरा रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू को चेंज करके आउटपुट में जो उसकी स्पीड थी उसको कंट्रोल किया। सिमिलरली हमने फिर SCR के साथ भी ऐसा ही किया और फिर जो फाइनल था मेरा LDR। तो यहाँ पे लाइट ये आप देख सकते हैं, इसी की लाइट से हम इसको चेंज कर रहे हैं या इसको ट्रिगर करा पा रहे हैं आउटपुट में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।